आइए दोस्तों स्टार्ट की जाए एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी, और ये फिर से केस स्टडी है हमारे इस चैप्टर कंसिडरेशन से। राइट, कंसिडरेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। और ये केस स्टडी हमें फिर से उस टेक्निकल पॉइंट के बारे में बताती है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ना होने के बावजूद, आई मीन कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हालांकि रूल क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहां पर कंसिडरेशन के ना होने के बावजूद भी क्या मान लिया जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। ये दोस्तों स्टार्ट करें अपनी ये केस स्टडी और पढ़ते हैं इसके फैक्ट्स। राइट, लिखा है ए सोल्ड हिज हाउस टू बी। अब बी ने हाउस खरीद लिया, बी ने पैसा देना है किसको, ए को, अंडर अ रजिस्टर्ड सेल डीड एंड लेफ्ट अ पार्ट ऑफ द सेल प्राइस इन हिज हैंड्स। यानी ए ने घर भी बेचा, पूरा पैसा लेने की बजाय कुछ पैसा बी के हाथों में ही रहने दिया। उसे कहा भाई कुछ पैसा तुम अपने पास रखो। अब बी ने कहा भाई क्यों, ए ने कहा ए आस्क्ड बी टू पे द रिमेनिंग अमाउंट एज अ रीपेमेंट ऑफ हिज डेट टू सी, और सी कौन है, क्रेडिटर ऑफ ए। ए ने कहा भैया ये पैसा तुम अपने पास ही रखो, और मेरे एक क्रेडिटर है मिस्टर सी, ये पैसा ना आप उनको दे देना मेरे बिहाफ पर, क्योंकि मैंने अपने लोन की रीपेमेंट उन्हें करनी है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ए कहीं जा रहा होगा तो उसने बी से कहा जी आप जाके पैसा सी को दे देना मेरे बिहाफ पर। बी इस बात के लिए मान गया, ठीक है जी। सब्सिक्वेंटली बी मेड पार्ट पेमेंट्स टू सी, यानी सी को कुछ पैसा तो दे दिया, एंड इन्फॉर्मिंग हिम The money was paid out of the sale of house by A to him. के जी A ने अपना घर बेचा था, मैंने उसे पैसा देना था, कुछ पैसा उसे दे दिया, कुछ पैसा उसने मेरे हाथ में ही रह दिया, रख दिया, और कह दिया कि ये मैं आपको दे दूं, मैंने कुछ पैसा आपको भी दे दिया है। A also informed him that remaining amount will be paid to C very soon. यानी बचा हुआ पैसा भी मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। B, however, failed to pay to C. B ने वो पैसा C को नहीं दिया। अब सी ने केस दायर करना था, बताओ किसके खिलाफ करता, भैया उसका तो जो डेटर था वो था मिस्टर ए। अब इधर सी ने ए के खिलाफ केस दायर करने की बजाय बी के खिलाफ केस दायर कर दिया। उधर बी हैरान हो गया, अरे भाई मेरा तो आपसे कोई लेना देना नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और किस तरह से आप मेरे खिलाफ केस दायर कर सकते हैं भैया। तो पार्टीज की कंटेंशन आइए देख लें कि इस समय पार्टीज क्या कहती हैं। राइट, बी जिसके खिलाफ केस दायर किया गया, बी कंटेंडेड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड सी। जब कोई कंसिडरेशन ही नहीं, मैंने चलो पैसा देना है, मैं कहता हूं कि मैंने देना है, लेकिन आपकी तरफ से क्या मिल रहा है मुझे, कंसिडरेशन तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, और ना हो तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। Thus, C was a stranger to contract and did not have any right to file a suit. मेरा contract तो Mr. B के साथ हुआ था, sorry Mr. A के साथ हुआ था। मैंने इसे जरूर कहा था कि हाँ मैं ये पैसा Mr. C को दे दूंगा, लेकिन अगर मेरे खिलाफ इस non payment के लिए केस दायर करना है तो Mr. A करे ना। हमारे उस contract में C तो कहीं party to contract है ही नहीं। Then how can this fellow file a suit against me? अब आती है बात decision of the court की। Court held that though originally there was no contract between B and C, there was no privity of contract between B and C. Contract तो A और B के बीच हुआ था, but B had acknowledged his liability. कैसे acknowledgement दे दी उसने? उसने कहा था लो जी लो मैं आपको part payment कर रहा हूं, और बचा हुआ पैसा भी मैं जल्द ही दे दूंगा। By paying part money to C, part payment जो C को की गई, this is called acknowledgement of a debt. कह दिया ना उसने कि मैं बचा हुआ पैसा दूंगा। तो acknowledgement of debt के लिए अगर कोई इस तरह से बात कह दे तो भैया उसके लिए दोनों तरफ से consideration की जरूरत नहीं होती। Thus C had a right to file a suit for recovery of money. और दोस्तों रिलेटेड केस लॉ, देवराजा वर्सेस रामकृष्णैया, देवराजा वर्सेस रामकृष्णैया इस केस का नाम था। आइए प्रोविजंस क्या कहते हैं वो एक्सेप्शन वाली कहानी।
नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सेप्शन ये भी कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट बाय द प्रोमिसर और पार्ट पेमेंट और एस्टॉपल टू स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मेक्स हिम लायबल। यानी अगर उसने कह भी दिया होता कि साहब मैंने आपका पैसा देना है, रिटर्न में लिख देता, कह देता कि मैंने आपसे आपका पैसा देना है, उस व्यक्ति से पैसा लिया हुआ है वो आपको देना है, मेरी लायबिलिटी आपकी तरफ बनती है, तो उसके लिए कोई भी सामने वाली पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और सामने वाली पार्टी की तरफ से अगर कंसिडरेशन न भी हो तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा। एंड दस द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट था, कैन मेंटेन अ सूट अगेंस्ट द प्रोमिसर। यानी हमारे सामने क्वेश्चन आता है कैन अ स्ट्रेंजर फाइल अ सूट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट फाइल अ सूट, यस, बिकॉज देर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस केस इज ऑल्सो ओवर, ये केस स्टडी भी यहां खत्म होती है। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में फिर से कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार, फिर मिलते हैं, बाय बाय।